हाल दोस्तों, तो कल हम बद्रीनाथ से निकले थे और कोसा निकले जा रहे थे, लेकिन लंबा रास्ता था। तकरीबन हम कर्णप्रयाग तक जाके रुके, नाइट स्टे किया था और अभी सुबह निकले फिर से कोसानी जाने के लिए। तो यहाँ से तकरीबन 5 घंटे का रास्ता है। तो अभी बजे 7:30 और यहाँ से करीबन 5 घंटे का रास्ता है, तो तकरीबन हम कोसानी तक 12 बजे तक पहुँचेंगे। टेम्परेचर भी आपका ठीक है, जैसे मुंबई में होता है 14-15, वैसे ही सेम है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन बद्रीनाथ में और अपना केदारनाथ में हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत टेम्परेचर लो था। दोस्तों अभी हम आए बैजनाथ मंदिर, तो कोसानी जाते हैं तो रास्ते में बैजनाथ मंदिर लगता है, तो वहाँ पे जाके दर्शन कर लेते हैं। तो चलो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि बैजनाथ मंदिर कैसा दिखता है यहाँ पे। तो गाइस ये था बैजनाथ मंदिर। अगर आप यहाँ पे आ रहे होगे तो जरूर आइए, दर्शन कीजिए। मंदिर बहुत पुराना है, 9th या 10th सेंचुरी का है। तो अभी कोसानी में पहुंच गए और कोसानी से अभी हम रुद्र वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत कच्चा रोड है, आपको दिखा दो एक बार। पूरा 8 किलोमीटर कच्चा रोड है, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा है। वो मंदिर है कुछ, तो हमने एक गाइड लिया है, आपको दिखाता हूँ। प्रकाश नाम है, प्रकाश गाइड है। हाँ, हमारे गाइड का नाम प्रकाश है। यहाँ से चलना पड़ता है 1 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर से। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद आप देखते हैं ये मंदिर है और ये वाटर पार्क है, जो ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, आप देखिए। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए है, आपको अगर आना होगा तो आपको यहाँ पे 2 किलोमीटर चल के आना होगा। मंदिर अच्छा है, हमने गाइड लिया था लेकिन गाइड की तो जरूरत नहीं है, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे अल्मोड़ा, तो चलो चलते हैं। ओके, मिलते हैं बाद में।